गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखने से डर लगता है। तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रखने से इनकार कर रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल में वापस ले जाने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने लगाई याचिका, कहा लॉरेंस को बठिंडा जेल में डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। तिहाड़ जेल प्रशासन अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी जेल में नहीं रखना चाहता। जेल प्रशासन ने इस बारे में कोर्ट में अपील दायर कर रिक्वेस्ट की। जेल प्रशासन के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को अप्रैल में जब पंजाब की बठिंडा जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था, तब दिल्ली आते आते शाम हो चुकी थी। उस वक्त कोर्ट के निर्देश पर उसे तिहाड़ जेल में रख लिया गया था। तब से उसे कई राज्य और जांच एजेंसियां ट्रांजिट रिमांड पर लेती जा रही हैं, लेकिन लौटाकर उसे तिहाड़ जेल में ही लाया जा रहा है। जबकि ऐसे मामलों में ट्रांजिट रिमांड खत्म होने पर कैदी को उसकी उसी जेल में वापस भेजना चाहिए जहाँ से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से लाया गया था। सूत्रों का कहना है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में 27 मई को अपील दायर कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वापस उसकी बठिंडा जेल में भेजे जाने की रिक्वेस्ट की गई है। सूत्रों ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 17 अप्रैल 2023 को बठिंडा से एनआईए की कोर्ट में पेश करने के लिए दिल्ली लाया गया था। वहां से दिल्ली आते आते लॉरेंस बिश्नोई को देर शाम हो गई थी। कोर्ट ने उसे रात को तिहाड़ जेल में भेजने के आदेश दिए थे, जहां से उसके अगले दिन उसे पेश करना था। 18 अप्रैल को बिश्नोई को 7 दिनों के रिमांड पर एनआईए के हवाले किया गया था और 24 अप्रैल को उसे गुजरात एटीएस के हवाले पेश करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद उसे गुजरात पुलिस ले गई, जहां से उसे 24-25 मई की आधी रात को गुजरात पुलिस तिहाड़ की मंडोली जेल छोड़ गई। यहां उसे जेल नंबर 15 के हाई सिक्योरिटी सेल में अलग से रखा गया ताकि वो जेल में रहते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसी कोई प्रतिबंधित गतिविधि को अंजाम न दे पाए। उसकी निगरानी के लिए आईटीबीपी और जेल स्टाफ के अलावा एक अन्य फोर्स का जवान लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों की सर्विलांस भी इसके ऊपर रखी गई है। इसके बाद यहां से उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड पर ले गई। अब उसे फिर से मंडोली जेल लाए जाने की बात कही जा रही है। इससे पहले जेल प्रशासन ने कोर्ट में अपील दायर कर इस मामले का समाधान करने की रिक्वेस्ट की है ताकि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के जेल में रखने की वजह से तिहाड़ जेल की खर्च होने वाली अतिरिक्त फोर्स और निगरानी को बचाया जा सके। जेल प्रशासन का कहना है कि लॉरेंस के अधिकतर मामले पंजाब राजस्थान से संबंधित है, फिर उसे अगर पंजाब की जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाया भी जाता है तो उसके रिमांड खत्म होने पर उसे वहां की जेल में पहुंचाया भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे परमानेंट तिहाड़ जेल में छोड़ दिया जाए। फिलहाल देखना होगा तिहाड़ जेल प्रशासन के इस रिक्वेस्ट के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई वापस पंजाब की बठिंडा जेल जाता है या फिर नहीं।